शांति। आज 2 जुलाई की बाबा की मुरली हम सब सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और कराने, तभी हम सतयुग में जाएंगे। तो तैयारी सारी हमको यही करनी, दैवी गुणों की धारणा, खुशबूदार फूल बनना, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला खुलता जाता है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला खुलता जाता है, जो श्रीमत पर चलते रहते, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनका बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा के साथ योग हो, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बाबा ने जो महा श्रीमत हम बच्चों को दी है, सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक बाबा के जो भी श्रीमत हम बच्चों के लिए है, मर्यादाएं हैं, तो ताला खुलता जाता है अगर उसका पालन करेंगे। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। जब बाबा के महावाक्य सुनते, मुरली सुनते, तो भी स्मृति रखो मैं आत्मा हूँ, जब हम किसी को सुनाते हैं तो भी उसको आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा समझकर आत्मा को सुना रहे हैं, तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो ऐसे भी नहीं किसी शिव बाबा की याद में रहना है, वो सिर्फ शांति हो जाएगी, सुख भी चाहिए तो शांति भी चाहिए, तो शिव बाबा के साथ साथ और किसको याद करने। फिर शिव बाबा कहते स्वर्ग को भी, सतयुगी दुनिया को भी हमें याद करना है, क्योंकि बाबा हमें उसका मालिक बना रहे हैं। तो तुमको शांति में रहने, स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नरसे नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए, यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण है तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। यूँ आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में भी ऐसे कई परिवार हैं मनुष्य जिनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, बड़ी शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं आपस में, फिर भी देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही हैं स्वर्ग में, जिनका शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है, ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे उनके चरित्र भी, चित्र भी भारत में ही हैं, लक्ष्मी नारायण के, श्री सीता श्री राम के, उनके देवताओं के चित्र भी हैं, ये हैं आदि सनातन देवता धर्म के। फिर भल करके उनको चित्र बाहर ले जाते हैं पूजा करने के लिए, बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाएंगे। भारतवासी कहीं भी जाएं, दूसरे देशों में भी जाएंगे तो वहाँ भी जाकर मंदिर बनाएंगे। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं ना, कई मुस्लिम भाई कहीं जाएंगे तो मस्जिद बनाएंगे, क्रिश्चियंस कहीं भी जाएंगे तो चर्च बनाएंगे, भारत में बहुत सारे चर्च हैं, मस्जिद हैं। भारतवासी दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ जाके जरूर देवी देवताओं के मंदिर बनाएंगे, तो जो जिसको मानते हैं पूजते हैं तो जरूर उनकी पूजा के लिए चित्र आदि बनाते, जिन जिन गांवों पर विजय पाते वहाँ चर्च जाकर बनाते। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा करने के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे हम देवी देवता थे,
अपने को अलग समझ उनों की पूजा करते थे। अब बाबा ने स्मृति दिलाई है कि जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते थे, तुम ही वास्तव में देवी देवता थे, ये हम नहीं जानते थे। और धर्म वाले पूजा करते जानते, हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं, बौद्धी हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवी देवताओं को। तो बाबा हमको हमारा धर्म की स्मृति दिलाते, आपका धर्म कौन सा है, आपका धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्योंकि देवताओं की पूजा करते। क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन है, बुद्ध को मानने वाले बौद्धी हो गए। ऐसे ही बाबा कहते देवताओं को मानने वाले, देवताओं के पूजने वालों का धर्म कौन सा धर्म हुआ, देवता धर्म। लेकिन अपने धर्म को न जानने के कारण फिर हिंदू धर्म का कह देते, ये नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन ने क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं है हमारा धर्म कौन सा है, वो कब और किसने स्थापन किया था। बाप कहते हैं ये भारत का देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने के लिए। ये ज्ञान अभी तो बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। हम भी नहीं जानते थे पहले, अभी तुम जानते हो। हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं, अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है, वो भी इस समय तुम समझते हो। सतयुग में नहीं समझेंगे, सतयुग में जाएंगे तब तो ये सारा ज्ञान भूल जाता है। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का। तुम ब्राह्मणों को ही पता है, पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते ये है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे माना दुख देने वाले, फूल माना सुख देने वाले, कांटे माना पतित, फूल माना पवित्र। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कांटे, ईर्ष्या द्वेष के कांटे हमारे अंदर भी थे, अभी बाबा उन कांटों को निकाल के हम बच्चों को फूल बना रहे हैं, है ना। इसलिए गीत है ना, चुन चुन के जग के कांटों को फूलों की माला बनाई। बाबा ने कहाँ कहाँ से हम बच्चों को चुना और अभी बाबा हम बच्चों को फूल बना रहे हैं। तो कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, देवताएं फूल हैं तो मनुष्य जाके इनको नमन करते हैं। ये राज अभी तुमने जाना है, हम सो देवता थे जो फिर आकर अभी खुशबूदार ब्राह्मण फूल बने हैं। बाबा ने समझाया ये ड्रामा है, आगे ये ड्रामा बायोस्कोप आदि भी नहीं थे, अभी बने सिनेमा आदि बायोस्कोप भी अभी बना है, क्योंकि बाप को भी दृष्टांत देने में सहज होता है ना। क्या बाबा मिसाल देते, जैसे बायोस्कोप ड्रामा हर 3 घंटे के बाद जब हम देखने जाते हैं तो हूबहू रिपीट होता है, ऐसे ही बाबा उस ड्रामा का मिसाल दे के कहते, बायोस्कोप का मिसाल दे के बाबा हमें समझाते हैं। ऐसे ही ये 5,000 साल का ड्रामा भी हूबहू ऐसे ही रिपीट होता है, बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे फिर वहाँ काम आएंगे। कहाँ, सतयुग में साइंटिस्ट भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, तभी तो महल बनाएंगे, पुष्पक विमान बनाएंगे। तो जो बाबा के बच्चे अभी साइंस के संस्कार ले जाएंगे फिर वो वहाँ पर काम आएगा। दुनिया कोई एकदम खत्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर जन्म लेते, विमान आदि भी बनाते, जो जो काम की चीजें वहाँ के लायक हैं वो बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम नहीं आएंगे, भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे,
परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। पुष्पक विमान होंगे पर स्टीमर आदि की दरकार नहीं, वहाँ स्टीमर्स की दरकार नहीं होती है, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ विमानों की, विमान होंगे, बिजलियों आदि की दरकार होगी, ये इन्वेंशन निकालते रहते, वहाँ से बच्चे सीख कर आते। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। तो जो बाबा के साइंटिस्ट बच्चे अभी ज्ञान में चलते, फिर वहाँ जा कर के सतयुग में पुष्पक विमान, बिजली आदि, महल आदि बहुत अच्छे अच्छे बनाएंगे, क्योंकि वो संस्कार ले जाती है आत्मा। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नर्कवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नर्क में हैं ये नहीं समझते। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग गया, स्वर्ग गया तो फिर पहले कहाँ था, नर्क में था, तो इसी दुनिया में था, तो इसका मतलब ये दुनिया भी नर्क हो गई तो हम भी सब नर्कवासी हो गए, इसका मतलब ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे खुलता जाता है ना, जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, धारणाओं पे चलते हैं, पवित्रता में पक्के होते जाते हैं ना, तो कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बाबा के ज्ञान हमें अच्छी तरह से समझ में आता जाता है, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। नंबर वार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं, योग भी सिखाते हैं। टीचर है ना, बाबा टीचर है तो जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है, जानते हैं ना, बैरिस्टर पढ़ाते हैं, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्टर पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाले टीचर से भी योग रहता है। ये भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है, देह को याद करना तो बहुत सहज है। यहाँ क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें विदेही को याद करना है, बिंदु रूप को घड़ी घड़ी देह याद आ जाता है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं, आत्माओं को सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। शिव बाबा ही हमें आत्मा का पाठ पक्का कराते, अपने को भी आत्मा समझो और जब दूसरों को समझाते हो तो भी यही स्थिति बनाओ, मैं आत्माओं को समझा रहा हूँ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे, वो भी आत्मा है, वो सुप्रीम आत्मा है। तुम जब किसको समझाते हो तो बुद्धि में आना चाहिए, हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वो मैं आत्माओं को सुनाता हूँ, ये हमारी स्थिति है सुनाते समय। ये है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो। बाबा हमारे रिजल्ट बता रहे हैं सचमुच में, देखते हैं ना तो भूल जाते हैं ना कि मैं आत्मा को पढ़ा रही हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये भी भूल जाते। मंजिल है ना, ये ऊँची मंजिल, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को पढ़ाना। बुद्धि में रहना चाहिए ना, मैं आत्मा विनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं। बाबा कहेगा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और हम जब किसी को बाबा का ज्ञान सुनाएंगे
तो हम ये सोचेंगे मैं अपने भाई को सुना रही हूँ। आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये बड़ी महीन बातें, इसमें बहुत मेहनत है। स्मृति में नहीं आती हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो ना, देह अभिमान में रहे ना, इसीलिए अब देही समझने में आत्मा समझने में थोड़ा मेहनत करनी होती। इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठो। बाबा ये पाठ पक्का करा रहा है, पहला पाठ, आत्मा निश्चय करके सुनो, आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा समझ के आत्मा को सुनाओ और आत्मा निश्चय कर बैठो। परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 साल हुए बाबा से बिछड़े हुए, अभी बाबा पढ़ाते हैं, वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, ये बाप तो है सुप्रीम आत्मा, मेरे को अपना शरीर नहीं है तो मैं ब्रह्मातन में आके पढ़ाता हूँ। उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मातन से पढ़ाता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ ये शरीर मेरा नहीं है, मैंने तो ये शरीर लोन लिया है। हरेक की महिमा अपनी अपनी है, गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ये ज्ञान का वो ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर और सुख शांति का सागर है। शिव बाबा की महिमा ये है, बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है, हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, नशा रहता है ना, खुशी रहती है ना बच्चे को कि इतनी प्रॉपर्टी, इतने मकान है, इतनी जमीन है, इतने बैंक बैलेंस है, तो खुशी होती है। यहाँ भी हम बच्चे जब सोचते बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, विश्व की बादशाही देते, तो खुशी होती है। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती, बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है। वो सुना, तुम आत्माएं तो अमर, कभी मृत्यु को नहीं पाती, आत्मा अमर है, आत्मा मृत्यु नहीं होती, शरीर विनाशी है। प्रेम के सागर भी बनते हो, ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है ना, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तो जो बाबा की महिमा है, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वो सारे गुण हमें संगम युग पर धारण करने हैं, तब देवता बनेंगे। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में कैसे ताव में आ जाते हैं फटाफट। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता, बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। यहाँ प्रेम क्या समझते हैं, विकार, विकारी भावना नहीं रखो, अगर काम विकार को छोड़ देते हैं तो फिर समझते हैं इनको तो मेरे से प्यार ही नहीं है, तो फिर लड़ते झगड़ते हैं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, गीता में आते हैं ना कामेशु क्रोध उपजायते, तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म के पाप तो याद रहते हैं ना, बाबा को सुना तो हल्के हो जाएंगे। पिछले जन्मों का तो हमें याद नहीं है, उसे योग से चुक तो करना है, और इस जन्म का बताने से, जो भी किए हुए पाप कर्म बताने से, बाबा को लिख दो, चिट्ठी लिख दो बाबा को, हल्के हो जाएंगे, और बाकी योग से खत्म करना है। इसमें मुख्य विकार की बात है,
बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं कि बच्चे कोई पाप तो नहीं किया, अगर किया हो तो बाबा को सच सच बता दो, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहते, ये दुनिया ही पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित हैं, वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इसलिए योग से हमें विशेष रूप से अपने को और प्रकृति को पवित्र बनाना है। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का वाहन करते हैं परंतु यहां थोड़ी आ सकती, उसी की रस्म बनी हुई है ना। दिवाली पे लक्ष्मी को जब आवाहन करते उससे पहले पूरी सफाई करते हैं, बिना पवित्रता के लक्ष्मी कैसे आएगी। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, जब पहले यहाँ की सारी दुनिया पवित्र बनेगी। तो पवित्र बनना भी है, पवित्र दूसरों को बनाना है, प्रकृति के लिए भी हम सबको योग करना है, तब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े, बाबा कहते कलयुग की दुनिया का खत्म होने का समय नजदीक आ गया। मनुष्य समझते अभी तो 40,000 वर्ष दुनिया और चलेगी, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता। बाबा ने तो समझाया पूरा चक्र ही 5,000 साल का है। कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। भक्ति है रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन और ब्राह्मणों का दिन। रात माना अज्ञानता में थे, अभी दिन माना सोजरे में हम आते, ज्ञान मिलता। तो ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया का जास्ती टाइम होता, पुरानी दुनिया को कम टाइम, थोड़ा टाइम देंगे। हर युग की आयु बराबर बराबर है, नहीं पूरा आधा आधा होगा। क्वार्टर भी कर सकते हैं, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी हो ना सके। स्वस्तिका में चार भाग देते हैं, समझते हम गणेश निकालते, स्वस्तिका के चार भाग देते माना चारों युगों की आयु बराबर बराबर है। स्वस्तिका निकालते हैं ना, उसको गणेश भी कहते हैं। तो इस सृष्टि चक्र की चारों युगों की आयु बाबा कहते बराबर बराबर है। अब बच्चे समझते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। अभी 5-6 दिन पहले भी बाबा, 3-4 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था, छोटे बच्चे को महात्मा क्यों कहा जाता, क्योंकि छोटे बच्चे को ज्ञान ही नहीं है विकारों का। महात्माओं को तो फिर भी विकारों का ज्ञान तो होता है, छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं है। तो छोटे बच्चे सबको बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि पवित्र है। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, जैसे जयपुर में परनामी धर्म है, वो लोग बाल रूप की 12 साल तक पूजा करते। तो छोटे बच्चे क्यों सबको प्यारे लगते, क्योंकि पवित्र हैं। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है, बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, विकारी दृष्टि नहीं होती, पवित्र होते हैं ना। आजकल तो खैर टीवी के कारण, मोबाइल के कारण छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो गया, बाकी तो ज्ञान होता ही नहीं है। ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल ली,
ऐसी कोई बात नहीं। इसका मिसाल आता है सूरदास जी का, है ना। सूरदास जी के लिए दो बातें आती हैं, कई लोग तो मानते हैं कि वो जन्म से सूरदास थे, और कोई की ये मान्यता है कि वो विकारी दृष्टि किसी के ऊपर ना जाए, देखे ही नहीं किसी को, इसलिए आंखें ही फोड़ दी कि ना आंखों से किसी को देखेंगे और ना विकारी दृष्टि हमारी जाएगी, है ना। जैसे पहले जमाने में जब साधु महात्मा भी घरों में आते थे ना, तो आंखें बंद करके कहते थे भिक्षाम देही, बस आंखें बंद करने, स्त्रियों को देखना नहीं है। लेकिन बाबा कहते सूरदास जी के लिए वैसी कहा बताती है, ऐसी मान्यता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। आंखें फोड़ने वाली बात नहीं है, आंखें तो नियामत है। हमें इन आंखों को कोई फोड़ना नहीं है, हमें इन आंखों को कोई बंद भी नहीं करना है। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि इन आंखों को क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाना है, इन आंखों को पवित्र बनाओ। देह नहीं देखो, सर्प को नहीं देखो, लेकिन सर्प में मस्तक मणि, शरीर को नहीं देखो मस्तक मणि, आत्मा को देखो। तो बाबा कहते ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है, निकालने वाली बात नहीं है, ये तो हठ योग हो गया। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते, ना बंद करनी है ना कोई आंखें निकालनी, उसका परिवर्तन करना है। इसलिए बाबा ने आज मुरली में बार बार आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा को देखकर पढ़ा रहा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी नेत्र मिला है, इसलिए जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है उससे देखो। इन आंखों से देखोगे तो देह दिखाई देगा, अवगुण दिखाई देंगे। तीसरे नेत्रों से देखोगे तो आत्मा को देखोगे, गुण ही गुण दिखाई देंगे। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। जो भी कर्म आत्मा करती है, अच्छा बुरा, उस कर्म का लेप शेप आत्मा पर लगता है, आत्मा पर ही प्रभाव पड़ता है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, और उसी आधार पर ही फिर उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए निर्लेप नहीं कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अविनाशी है। कितनी छोटी, छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ऐसी बात कोई कह ना सके, वो तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, पहले पहले बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते, आत्मा को रियलाइज करो। कहते हैं फर्स्ट सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन गॉड रियलाइजेशन, पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, हम कहते हैं ना मनुष्य की आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है, तो फिर पूछते हैं अच्छा फिर जानवरों का क्या होगा, जानवरों की आत्मा का कल्याण कैसे होगा। अरे जानवरों की बात छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। जानवरों की बात छोड़ो, जानवरों का कल्याण तो हो ही जाएगा, मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन होगा, तो पशु पक्षियों का जानवरों आदि का कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते इन प्रश्नों में नहीं जाओ, उनकी बात छोड़ो। मैं आत्मा कैसी हूँ क्या हूँ, बाप कहते जबकि अपने को आत्मा नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। इसलिए पहला पाठ मैं आत्मा, मुझे जान, पहले अपने को जानो, खुद को जानो तो खुदा को जानो। अपने को ही नहीं जानते तो मुझे क्या जानोगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, वो बजता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नोंद है, फिर हम पुरुषार्थी क्यों करें। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सब होता है, तो कई लोग ड्रामा को की बात को पूरा नहीं समझ पाते, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, हम पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा।
उठना पड़ेगा, मटके के पास जाना पड़ेगा, तब पानी मिलेगा। अपने आप थोड़ी कोई दुकान खुल जाएगी, कमाई हो जाएगी, दुकान खोलनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करेंगे ना, होगा तो भले बाबा कहते, बाद में कहेंगे ड्रामा। कर्म तो जरूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि से समझ सकते। बाप कहते हैं ये रावण का राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं होता है, सतयुग में मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता। कर्म तो हर युग में करते, वहां विकार नहीं होते तो विकर्म नहीं होता है, कर्म अकर्म हो जाते हैं। और द्वापर कलयुग में विकारों के वशीभूत होके जो हम कर्म करते वो हमारे विकर्म के खाते में चले जाते हैं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी अर्थ नहीं समझाते, वो तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। गीता में कर्म अकर्म विकर्म इस शब्द हम सबने पढ़ा था, समझा थोड़ी था कुछ इसका अर्थ क्या है। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते, बात कहते कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं भगवानों वाचे, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं। भगवान किसको कहेंगे, किसी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान है जो अजन्मा कर्ता भोक्ता वो निराकार परमात्मा शिव है, ये पहले हम नहीं समझते थे। अभी बाबा ने समझाया भगवान किसको कहा जाता है, पहले ये पता नहीं था, अनेकों कोई भगवान समझ करके पूछते आए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बेहद के बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। जैसे बाप पवित्रता सुख शांति आनंद का सागर है, ऐसे मैं मास्टर सागर हूँ। इसी नशे और खुशी में रहना है। दूसरे पॉइंट है, ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ऐसे कह के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है आज का, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए,
जिन्होंने बाबा के प्यार का अनुभव कर लिया, जिन्होंने बाबा से के सुख का अनुभव कर लिया, वो अल्पकाल के प्यार में नहीं फंस सकते। उनके आगे तो सब सुख फीके, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब सुख फीके, आकर्षित नहीं कर सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। तो बाबा के प्यार में खो जाओ, लवलीन हो जाओ, तो माया के वार से बच जाएंगे, माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही फुल स्टॉप लगा सकता है। ओम शांति। झपकी न पल की उस क्षण मिलन
झपकी न पड़ती उस क्षण मिलन में मन पंछी रहे तेरी यादों में उन याद
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पी